दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और इस बार की दिवाली बहुत खास है। दिवाली को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रौनक भरे नज़र आ रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से शहर सजा हुआ है और ये रोशनी वाला त्यौहार है तो बाजार भी जगमगा रहे हैं। हमारे सहयोगी नेहा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। नेहा, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या रौनक दिवाली को लेकर नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो महेश नगर बाजार में है और यहाँ पर है वो तैयारियाँ। आप मेरे पीछे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चहल पहल है वो बाजार में बढ़ चुकी है और लाइटिंग्स का अनोखा रूप है, रंग बिरंगा रूप है वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। और थोड़ी ही देर में महेश नगर मंडल की ओर से लाइटिंग का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और देखिए तैयारियाँ हैं बिल्कुल हो चुकी हैं और महेश नगर का जो मार्केट की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से सजावट है वो की गई है, तो शुरुआत से हम आपको दिखाएं कि सबसे पहले मिठाइयों की दुकान से शुरुआत हो रही है, उसके बाद में पटाखों की दुकान से शुरू हो रही है, फिर बीच में है लाइटिंग्स की दुकानें हैं। तो इससे जो चार चांद हैं वो बाजार में हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और बाजार बिल्कुल सज चुका है। कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो दिवाली वाइब्स हैं उसकी शुरुआत वो हो चुकी है। लग रहा है कि दिवाली बेहद करीब है और बहुत ही सुंदर तरीके से मार्केट को सजाया गया है और चहल पहल है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर कस्टमर्स। नेहा देखिए, जयपुर शहर तो रोशनी के लिए फेमस है, जयपुर शहर मिठाइयों के लिए फेमस है और हम चार दीवारी का जिक्र करें जयपुर में तो वो भी बहुत सुंदर सज चुका होगा और दुल्हन की तरह जयपुर शहर को सजाया जाता है, तो रौनक शहर के हर बाजार में इसी तरह की नजर आ रही है कुल मिलाकर। बिल्कुल देखिए, रौनक बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है और ये जो मार्केट है ये भी बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है। और मिठाइयों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की मिठाइयाँ हैं वो देश में प्रसिद्ध हैं और खास तरीके से, खास जायके से है वो राजस्थान में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, राजस्थानी जायका उसमें दिया जाता है और एक खास तरीके से है वो जयपुर को, चार दीवारी को खास करके सजाया गया है। लेकिन जयपुर को एक दुल्हन के तरीके से सजाने की है वो कोशिश की जाती है और यहाँ पर भी हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दूर दूर से विदेशी सैलानी, देश भर के तमाम लोग दिवाली के पर्व पर कोशिश करते हैं कि वो राजस्थान आए, जयपुर आए और इस खूबसूरत त्यौहार को यहाँ पर मनाएं। शुक्रिया नेहा आपका तमाम जानकारियों के लिए।